हेलो एवरीवन, आज हम लोग जा रहे हैं बड़ी दीदी के बेटे का बर्थडे में, मतलब विभू अपने बड़े भैया के बर्थडे में जा रहा है। सो आज है आदित्य का बर्थडे। सो हम लोग जा रहे थे, मैं, मम्मी, पापा, क्योंकि आप सभी को पता है घर पे अभी हम तीन जन ही हैं। मैं मायके में हूँ, तो मम्मी और पापा को लेके हम लोग सभी चले गए थे दीदी के रूम पे, क्योंकि आज था। ये मेरी दीदी का रूम है, मतलब रेंट वाला घर है। अभी इधर ही चेंज किया हुआ था, सडनली करना पड़ा, इस वजह से ये अचानक से जैसा मिला उन्होंने ले लिया है। तो यहाँ पे आई हुई थी दोनों दीदी, भैया लोग भी आए थे, सभी से भेंट भी हो गई। बहुत टाइम बाद दीदी लोग से मिलना हुआ, सो मम्मी का भी मन था जाने का, सो हम लोग सभी चले गए थे, बहुत इन्जॉय की। यहाँ पे दोनों भाई का प्रेम चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार चल रहा है अर्णव और वैभव का। ये है सेकंड वाली दीदी, ये मेरी सेकंड वाली दीदी है, और ये थर्ड वाली दीदी है। और मैं जा रही थी केक लाने के लिए, सो केक भैया के साथ लाने गई थी, केक ले लिया। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया था। सडनली से प्लान बना था कि बर्थडे हम लोग सभी आए हुए थे, बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं हो पाया, डेकोरेशन मैं नहीं किया था छोटा मोटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं था। ये मेरे पापा हैं, और ये बेबी है, ये दीदी का छोटा वाला बेटा, और ये, इसको तो आप सभी जानते ही होंगे। फिर यहाँ पे बातचीत चल रही है मम्मी दीदी लोगों का। मैंने सोचा ब्लॉग शूट करते हैं, क्योंकि जब सब फैमिली एक जगह हो तो इससे ज़्यादा आई थिंक कुछ खुशी की बात नहीं होती है। और एक बात बताऊँ, मुझे ब्लॉगिंग बहुत पसंद है, क्योंकि छोटी छोटी जो यादें होती हैं ना, वो इसमें समेट कर रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो पारिवारिक हो या फिर जो भी हो, जिस तरह का हो, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे कोई मैटर नहीं था, छोटा सा सेलिब्रेशन था, बहुत हाईफाई नहीं था कि ब्लॉग करना है, वीडियो करना ही, ऐसा नहीं था। फिर भी एक याद को समेटने के लिए मैंने ब्लॉग किया, या मैं करती भी हूँ। ये मेरा पर्सनल शौक है, किसी को पसंद आए तो उसे देखना चाहिए, नहीं आए तो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये मेरी पर्सनल चीज़ें हैं। ओवरऑल बहुत ज़्यादा मज़ा आया, यहाँ पे खाना वाना हुआ, उसके बाद फिर रात में रुकने का प्लान यहीं पे था, लेकिन फिर मैंने सोचा सेकंड वाली दीदी के घर पे मम्मी को भी जाने का मन था बहुत, तो हम लोग फिर वहीं पे जाने के लिए सोच रहे थे। खाना वगैरह होने के बाद फिर हम सभी यहाँ से निकल कर, और यहाँ पे आप बेबी की मस्ती को देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है ये कैमरा को देखकर, बहुत खुश था प्रज्ञा और ईशान के साथ, और कैमरा से बात करने की भी कोशिश करते रहता है ये। हेलो एवरीवन, दूसरा दिन हो गया है, गुड मॉर्निंग, दूसरा दिन हो गया है। स्थिति बारिश की, अभी हम आ गए थे दीदी के घर से, सेकंड वाली दीदी के घर चले गए थे रात में, वहाँ से आ गए थे इधर, थोड़ा काम था हमको, तो वो काम करने के बाद अब हम फिर से जा रहे दीदी के घर। उसके बाद दीदी के घर से फिर हम लोग आज फाइनली अपने घर चले जाएंगे। मम्मी और बापू दीदी के घर पे हैं। देखो यहाँ पे बेटू अपने मगन है, खेल रहा है, बहुत खुश है। मम्मा कहाँ गई थी बेटू की, पता है हमको ये देख भी नहीं रहा है, बाबू बिल्कुल देख भी नहीं रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा है, अभी खेल रहा है अपने आप, पता भी नहीं चल रहा है कि मम्मा कहाँ गई थी, कुछ भी नहीं मालूम बेटू को। अभी देखा बेटू ने मम्मा को, मैं आ गई दीदी के घर पे। उसके बाद अब जो है आज शाम में हम लोग घर चले जाएंगे। ये ईशान है, देखिए दीदी का बेटा है, और ये दीदी अपना, ये अपने आप नेल पेंट से, सारा शौक इसका लड़की वाला है, नेल पेंट से खेलता है, लड़की के चीज़ों से खेलना पसंद है लोग। बारिश बहुत तेज़ हो रही है यहाँ पे, क्योंकि बारिश एक टाइम था जब बारिश का बहुत इंतज़ार था, और अब भी बहुत तेज़ की बारिश होती है, रोज़ बारिश होती है, खैर अच्छा है। फिर मैं आने के बाद यहाँ से निकल गई, खाना खाने के बाद मैं निकल गई थी घर के लिए। यही था ब्लॉग गाइस, आप सभी को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बने रहिएगा नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। थैंक्स।